शरारती भालू और अक्लमंद हाथी। शेर खान के जंगल में सब जानवर कालू भालू के शरारत से परेशान हो गल रहन सा। जब ओकनी के सब्र के बांध टूट गई तो ऊलो गोकरा के शेर खान के सामने पेश कैलन सा। शेर खान, हम कालू भालू के रोज रोज के हरकत से परेशान हो गई बानी। ई हमनी के नाक में दम करके रख ले बा शेर खान। शेर खान, एकरा वजह से कई बार हमार घोंसला टूटल और एकरा वजह से हमार बहुत सारा अंडा फूटल बा। तू लोग बेवजह के हम पर इल्जाम लगा रहल बाड़ा, हम तो बस तनी मनी हंसी मजाक करी ले जा। मजाक कहिल कोनो क्राइम तो नहीं खेना। कालू भालू, तू जंगल में रहता रा, कोनो शहर में ना। अगर तहार हंसी मजाक से जानवर के तकलीफ हो रहल बा तो तोहके सजा मिली। सब शेर खान के ध्यान से देखे लगलन सब। हम तोहके जंगल से चल जाए के हुक्म दे रहल बानी, आज सांझ तक जंगल की सरहद से पार चल जा, यही में तहार और सबके भलाई बा। ओकर बात सुन के कालू भालू के बहुत बुरा लागल, लेकिन वो शेर खान के हुक्म टाल ना सकत रहे। यही खातिर वो शाम होखे से पहले ही जंगल से निकल गई। फिर वो हिस्सा में गई जहाँ पे इंसानन के आवाज आई रहे, जानवर वहाँ बहुत कम जात रहन सब। उस शेर खान और जंगल के जानवर से हम तब बदला लेये के रहब, हमके ऐसे जंगल से वो बेइज्जत करके भगैलस, ई सब अच्छा ना भइल। उ बड़बड़ात बड़बड़ात चलल जात रहे। ओकरा के एगो पतीला नजर आइल जौन हरियर रंग से आधा भरल रहे। इंसानी जगह पे पेड़न के पत्ता से रंग बनावे के काम करत रहन सब। अरे ई कह, लागत है ये इंसान के इस्तेमाल करे वाला कोनो चीज है। कह के उ पतीला के अंदर हाथ डललस, लेकिन उ रंग के ना छू सकल। लागता और भीतरी हाथ डाले के पड़ी, ई तो बड़ा गहरा बा। कह के उ झुकल और पतीला के अंदर हाथ डाल के रंग के छुए के कोशिश करे लागल, लेकिन ऐसे करे से उ पूरा के पूरा पतीला के अंदर गिर गई। अरे अरे ई का भइल, ई तो पूरा रंग हम पर चढ़ गइल। के हो? ओकर कान में इंसान के आवाज आइल तो वो जल्दी से उठ के और वहां से बहुत तेज भागल। काफी देर बाद वो एगो जगह जाके रुकल और सांस लेवे लागल। तब ही सामने देख के ओकर आंख फाटल के फाटल रह गई। एगो बब्बर शेर ठीक ओकरा सामने खड़ा होके ओकरा के ध्यान से देखत रहे। हमर बात सुना, हम पर हमला मत करिया। हमके माफ कर दा, हमके मत मरा, हम आपके पहचान दिहनी अब रंपू जी। रंपू तो उहे जानवर बा जेकरा बारे में जंगल में खूब चर्चा बा। एगो ऐसन जानवर जौन अकेले कितना शेरन के मार चुकल बा, लेकिन ही हमके रंपू का है समझ रहल बा। सोच के उ खुद पे अच्छा से ध्यान देलस। ओ, हम पूरा हरियर रंग से रंगा गइल बानी, यही से ही हमके रंपू समझ रहल बा। अब आई मजा। ठीक बा ठीक बा, हम तोहके ना मारब, लेकिन आज से तू हमार सेवक बन के रहबा। जैसा आप कही। ठीक बा, हमके अपन पीठ पर बैठावा और इस शेर खान के जंगल ले चला। ई सुन के बब्बर शेर कालू के अपन पीठ पे बैठा लेलस और ओकरा के वापस शेर खान के जंगल के तरफ लेके चल देलस। जैसे ही वो जंगल में एंट्री कैलस, सब जानवर ओकरा के देख के हैरान रह गइलन सब। हरा रंग के जानवर के बब्बर शेर के सवारी करत देख उ सब ओकरा के रंपू समझे लगलन सब। जंगल में ई बात फैल गई कि रंपू जानवर जंगल में आ चुकल बा। शेर खान भी ओकरा के देख के हैरान रह गई। शेर खान, अब हम आ चुकल बानी, भलाई यही में बा, अभी जंगल के हमरा ऊपर छोड़ दा। तू ही जंगल के छोड़ के चल जा। शेर खान, तू देखते बारा कि बब्बर शेर भी ओकरा से डराला, एकरा अपन पीठ पर लेके घूमे ले, तो भला तू ओकरा से कैसे जीत सकेला। सुन के शेर खान सोचे लागल कि अभी ओकरा चुप रहला में ही भलाई बा, यही खातिर वो आगे कुछो ना कहलस। अब पूरा जंगल पे कालू भालू के राज हो गए। वो सब जानवरन के आपन सेवा में लगा लेलस। वो शेर खान से आपन पसंद के शिकार करवावत रहे और खुद मजा से ओकरा के खात रहे। रोज अपना मनोरंजन खातिर हाथी और गेंडा के बीच लड़ाई करवावत रहे। पक्षियन के भी तरह तरह के परेशानी देवे लागल। यही तरह काफी दिन गुजर गयी।
एक दिन छोटू हाथी के दोस्त रामू हाथी पासी के एगो जंगल से ओकरा से मिले आई। जब से ही रामपू हमनी के जंगल में आईल बा, हमनी के जीअल दुश्वार हो गईल बा। हर बात में ओकर मनमानी हमनी के बर्दाश्त करे के पड़ेला। ई तू का कह रहल बाड़ा? रामपू जानवर ता पिछला कई महीना से हमनी के जंगल में रह रहल बा। आज सबेरे ही फॉरेस्ट ऑफिसर पकड़ के ओकरा के शहर ले गईले। उकरे खुशी में जंगल में हमनी के पार्टी हो रहल बा, जेकरा खातिर हम तोहके इनवाइट करे आई रहली। अगर उ पकड़ल जा चुकल बा तो हमनी के जंगल में ही के बा, उ जरूर कौनो बहरुपिया हा। छोटो उहे टाइम शेर खान टीनू चिड़िया रेंचो गैंडा और कई जानवरन के मिले खातिर बुलाइलस और ओकनी के सब कुछ बता देलस। अगर उ कोनो और हा तो हम ओकरा के पहचानत काहे नहीं खी। हाँ, मेरे को बात नोटिस कईनी, ओकर रंग दिन ब दिन हल्का हो रहल बा। जरूर हरा रंग अपना शरीर पर लगा के रख ले बा, जैसे हमनी के ओकरा पहचान नहीं खी पावत। हाँ, लेकिन वो बब्बर शेर ओकरा के पीठ पर लेके काहे घुमाता? मतलब होकर सच्चाई नहीं खे जानत, लेकिन अब हमे को प्लान करब, ऐसे ओकर असलियत हमनी के सामने आ जाई। कह के छोटू सबके अपन आइडिया बतौलस, जेकरा के सुन के सब खुश हो गईलन। सा रंपू महाराज, छोटू हाथी आपसे लड़े के चाहता। वो कहता क्यों आपके खत्म करके ही रही, ओकरा गुलामी बर्दाश्त नहीं थे। सुन के कालू भालू डरा गई, लेकिन अपना डर के छुपा के कहलस वो छोटू हाथी हमके काम मारी, ओकरा के तो हमार नौकरे मार दी। ठीक बा, आप हमारे साथे चली। रेंचो गेंडा कालू भालू के अपना साथे लेके तालाब के किनारे पहुंच गए। उहा प्लान के मुताबिक सब जानवर जमा रहन छ। रंपू, अपन सवारी से उतरा और हमार सामना करा। हम तोहने जैसन छोट जानवर से ना लड़ाब, तोहरा खातिर तो हमार नौकरी काफी बा। सुन के बब्बर शेर ओकरा पे हमला बोले ही वाला रहे, लेकिन ओकरा से पहले ही छोटू हाथी तालाब में अपन सून डाल के ओकरा में पानी भरलस और फिर बब्बर शेर के ऊपर बैठल कालू भालू के ऊपर पानी के धार मार देलस। तभी ओकरा ऊपर चढ़ल सब रंग उतर गई और वो अपन असली रूप में आ गई। कालू भालू तू का? हम इतना दिन से एगो कालू भालू के लेके पीठ पर घूमत रहनी हा। कह के वो एगो झटका मरलस और कालू भालू के जमीन पे गिरा देलस। हमके माफ कर दा, हम तो बस मजाक करत रहनी। तू कभी नहीं सुधर सकत कालू, अबे ये सबसे ज्यादा हमार गुनहगार बा, हम एकरा के ना छोड़ा। सुनते ही कालू भालू उहां से भागे लागल और बब्बर शेर ओकरा पीछे लाग गल। ओह, बचावा यार, माफ कर दा, ओह, कोई हमके बचा ला। ओकरा के भागत देख के सब जानवर जोर जोर से हंसे लगलन सा। छोटू हाथी, तहार जितना तारीफ कईल जाए कम बा, आज तू अपन दिमाग के इस्तेमाल करके हम सब के आजाद कर दिला, न तब पता ना हमनी के कब तक ओकर गुलामी करत रहती। शेर खान, ई तो हमर फर्ज रहे। फिर सब जानवर खुश भइलन सा और वो दिन सब जानवर मिलके जंगल में एगो मजेदार पार्टी कैलन सा।